आदमी की सबसे बड़ी जरूरतें हैं रोटी, कपड़ा और मकान। इनमें से भी जो सबसे जरूरी है वो है रोटी। इसीलिए खाद्य पदार्थों की सुरक्षा एक अहम मुद्दा है। हमारे मरीजों और ग्राहकों तक स्वच्छ भोजन पहुंचे, इसके लिए भारत सरकार ने एक कानून बनाया है, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट। भोजन को सुरक्षित रूप से बनाकर उसे टेबल तक पहुंचाना एक बड़ी जिम्मेवारी का काम है। इस महत्वपूर्ण जिम्मेवारी को पूरा करने के लिए हमें भोजन की सुरक्षा से संबंधित बातों को सीखना होगा और अपने जीवन में अपनाना होगा। इस कठिन विषय को आप तक पहुंचाने के लिए और आपको समझाने के लिए हमने इस मूवी ग्रेवी एक्स्ट्रा का निर्माण किया है, ताकि आप इस विषय को सरल और रोचक तरीके से समझ सकें। हम सबको मिलजुल कर इस दिशा में काम करना होगा, ताकि हमारे ग्राहकों तक और हमारे मरीजों तक सुरक्षित भोजन पहुंच सके। मैं आशा करती हूं कि इस फूड सेफ्टी मिशन में आप सभी हमारे साथ हैं। तुझे साथ लेकर जाऊंगा, चल मेरे साथ। नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा, तुझे उस घोड़ी ने सुस्ता फेंका, बेवकूफ बना दिया। नहीं जाऊंगा। मुझे एक बात समझ में नहीं आती, तू इस खटारा से पेड़ पर उल्टा लटक कर करता क्या है? चल सीधे सीधे इंसानों की तरह नीचे आ जा। अही तो मैं इंसान ही तो नहीं हूँ। वो एक तो तू हंसता बहुत है, जरा सी देर में हा करना शुरू कर देता है, क्या चक्कर है तेरा? वो मुझे जोक्स याद आते रहते हैं। जोक्स? कौन से जोक्स? संता
बनता के जोक। लेकिन लेकिन तू अभी क्यों हंसा? वो मुझे तेरी भाभी की याद आ गई। मेरी भाभी यानी कि मेरी पत्नी की याद आ गई। अच्छा अच्छा, पर बात क्या याद आई? आज उसको सुबह मैंने कहा, डार्लिंग मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि दर्शन की दुकान से कोई भी सामान लेकर मत खाया करो, उसका सामान हाइजीनिक नहीं होता। अगर हाइजीनिक नहीं होता तो दुकानदारों को जाके समझाओ ना कि हाइजीनिक सामान बेचे, मुझे क्या बोलते हो? अगर डार्लिंग तुम अनहाइजीनिक खाओगी तो तुम्हें भी बीमारियां हो जाएंगी, बीमारियां भूतों को भी नहीं छोड़ती। डार्लिंग एक बात बताओ, अगर मैं मर गया तो तुम क्या करोगी? अगर तुम मर गए तो मैं अपनी बहन के पास चली जाऊंगी। अच्छा अच्छा, तुम बताओ अगर मैं मर गई तो तुम क्या करोगे? मैं क्या करूंगा, मैं भी तुम्हारी बहन के पास चला जाऊंगा। क्यों था? अब बंद कर ये हंसी मजाक और चल मेरे साथ। नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा। देख चुपचाप नीचे आ जा, मैं बता रहा हूँ, वरना 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 नीचे आ जा, वरना 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 मैं ऊपर आ जाऊंगा। ऊपर मत आना, ऊपर मत आना, ऊपर मैं कपड़े चेंज कर रही हूँ, कहा ना ऊपर मत आना। बेताल भाई, ये आवाज कहाँ से आई? तूने लोगों के घरों में तांग झांक करने का लाइसेंस लिया हुआ है क्या? बंद कर तांग झांक। ताल भाई, ये कौन है? ये है कौन? मुझे नहीं पहचाना। मैं हूँ बेताल की बेटर हाफ, बेताली। ये ताल तो अब बेताली हो चुकी है। क्या कहा? कुछ नहीं मेरी डार्लिंग, कुछ नहीं मेरा गुगलू बुगलू। कुछ नहीं तो सच चले क्यों नहीं जाते? बेताल भाई देख, अब तो भाभी जी ने भी हाँ कर दी है, अब तो आ जा। नहीं। सारा दिन पेड़ पे उल्टा लटका रहता है, पता नहीं क्या मिलता है इसे। पर भाभी ये पहले तो ऐसा नहीं था, अचानक इसे क्या हो गया? एक दिन डिनर में इसने चमगादड़ खा ली थी, तब से उल्टा ही लटका हुआ है पेड़ पे। चल यहाँ। नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा। नहीं जाऊंगा, चल। नहीं जाऊंगा। कुछ तो बोल, मैं बहुत बोर हो रहा हूँ। चलो मैं ही बोलता हूँ और मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। मैंने तुम्हें आज तक इतनी कहानियाँ सुनाई, वो कहानियाँ थी बीती हुई, गुजरे हुए कल की। आज जो मैं तुम्हें कहानी सुनाने जा रहा हूँ वो भविष्य की है, आने वाली कहानी। उस कहानी में तुम भी एक पात्र होगे, पर एक शर्त है, तुम्हें ये अपनी दाढ़ी कटवानी होगी। तो चलो विक्रम, भविष्य की पहुंच गया। फ्यूचर में पहुंच गया। क्या बात है, फ्यूचर कितना खूबसूरत है। वाह वाह वाह, इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियां, फ्यूचर में गाड़ियां क्या सरपट सरपट दौड़ती है। वाह 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 वाह। अरे नहीं नहीं नहीं, अरे भाई इतना टाइम नहीं है मेरे पास। वाह वाह वाह। अरे तुमने होल्ड करो।
बाबा। अरे ये लो बाबा 2 रुपए ऐश करो। हाँ ये क्या है? अरे 2 मिनट होल्ड करो। अरे बाबा 2 रुपए हैं, 2 रुपए ऐश करो। तो मैं क्या करूं? वाह क्या जमाना आ गया है, भिखारी भी मुंह खोल कर मांग रहे हैं। हंस क्यों रहा है? अबे हंसना तो और क्या करूं, वो तुझे भिखारी समझकर भीख दे गया। हंस मत, उड़ जाऊंगा। बेताल भाई ऐसा गजब ना कर देना, इस पूरे फ्यूचर में अकेला रह जाऊंगा मैं। ठीक है तो ये बता तू था कहां? मैं जरा अंग्रेजी सलून तक गया था। सलून? ये पतलूम तो सुना है, ये सैलून क्या है? वेल सैलून वो जगह है जहाँ पे बालों की कटाई छटाई कराई जाती है। पर तू क्या करने गया था? अब मैंने सोचा दाढ़ी बहुत बड़ी हो गई है तो मैं इसको ट्रिम करवाने गया था, ट्रिम करवाने। अब वो तूने गाना नहीं सुना, जैसा देश वैसा भेष। मुझे बड़ी भूख लगी है, कहीं खाने पीने का इंतजाम करो। भूख तो मुझे भी बहुत लगी है, देर क्यों करते हो, चलो किसी रेस्टोरेंट में चलो। यार वो दिन भी क्या दिन होते हैं। कौन से दिन? अरे शादी के पहले वाले दिन, वो रोमांटिक बातें, वो मुलाकातें। यार इसी दिन तो कैंडल लाइट डिनर होते हैं यार। हाँ यार लेकिन एक बात समझ में लगी, क्या लोग कैंडल डिनर क्यों करते हैं? यार तू तो बाल की खाल खींच रहा है। यार इस पूरे रेस्टोरेंट के अंधेरे में एक पतली सी मोमबत्ती शर्मा के जल रही है। वो कहती है मैं इस अंधेरे में कुछ नहीं कर सकती, और उसी अंधेरे में से कोई मक्खी, कोई मच्छर या कोई कॉकरोच निकलकर उसी खाने में पड़ जाए तो इस रोमांटिक माहौल में किसे पता चलता है? 4-5 दिन पहले की बात है। अच्छा इसी रेस्टोरेंट में एक कपल आया। अच्छा उसको खाना किसने लगाया? उसने। मैंने लगाया मैंने। अरे वाह। साथ में दाल मखनी भी थी, लेकिन उसी दाल मखनी में एक छोटा सा कॉकरोच पड़ा हुआ था। फिर तो तेरी लगी। पहले तो मुझे लगा कि मेरी नौकरी गई काम से, लेकिन इस रोमांस में वो छोटे से कॉकरोच को बड़ी लाजी समझ कर खा गए। और साथ में मुझे 2 सेकंड टिप देकर भी गए, बोलते खाना बड़ा स्वादिष्ट। अरे यार पता लगा रोमांस अंधा के होता है। लेकिन यार हम लोगों की किस्मत में रोमांस कहा, हमें सबका दायदा की बड़े बाल ही रख सकते। मैं यार संजय दत्त का बड़ा फैन, हाँ? संजय दत्त की तरह बड़े बड़े बाल रखना चाहता हूँ। ये दिल बड़ा बेईमान। हाँ नीचे आ जा, रेस्टोरेंट वाले निकाल देंगे। यार जो भी है, अगर बाल बड़े नहीं रखेंगे तो लड़कियां खा खास डालेंगी। अभी तो हमें शादी करनी पड़ेगी। पंडित जी लड़कियां देख रहे हैं। अच्छा यार पता मेरी किस्म की कोई लड़की हो। क्या बात है यार भाई तेरा ठीक है, मुझे तो लगता है मेरी पूरी जवानी पानी पिलाते पिलाते निकल जाएगी। और ज्यादा इमोशन लाओ तुम्हारा भी हो जाएगा। चल ठीक है मैं चलता हूँ, देखता हूँ पंडित जी क्या समाचार लाए हैं। तौबा रे तौबा, बाहर का खाना तो रिस्क है। ओए अब क्या करें, घर का खाना खाएंगे? घर का खाना? वो कैसे? वो कहते हैं ना, दूसरे की शादी में अब्दुल्ला दीवाना, दूसरे की शादी में अब्दुल्ला दीवाना होगा कैसे? इस शहर के साथ हम भी जाएंगे लड़की देखने, इसके रिश्तेदार बनकर घर का खाना मिलेगा खाने को। कैसे बताऊंगा। बहन जी लीजिए ना, आपने तो कुछ लिया ही नहीं। नहीं नहीं बस। लीजिए? नहीं बस। भाई साहब आप लीजिए। शुक्रिया। बेटा आप तो लो। जी थैंक यू। वैसे बहन जी हमारी बेटी अनु बहुत ही सुशील है, घर का सारा काम काज जानती है। हमारा बेटा ये बहुत शरीफ है। वैसे विजय बेटा कौन से होटल में काम कर रहे हो तुम आजकल? अजी मैं चाइनीज रेस्टोरेंट में काम करता हूँ, उसके पहले मैं पंजाबी ढाबे में था। पंजाबी ढाबा? ये पंजाबी ढाबा वही तो नहीं जो हमारे शहर का बहुत मशहूर ढाबा है? जी हाँ जी। वहाँ तो अक्सर तांता लगा रहता है, वहाँ का खाना तो बहुत ही मशहूर है, तो वो क्या छोड़ दिया तुमने? अजी एक्चुअली वहाँ पे फूड सेफ्टी वालों की रेड पड़ गई थी, क्योंकि वहाँ का जो फूड हैंडलर है वो ट्रेंड नहीं था,
उसके ऊपर उसके पास मेडिकल नहीं था, बाथरूम की फैसिलिटी भी अच्छी नहीं थी, नमक के डिब्बे के पास फिनाइल का डिब्बा पड़ा रहता था, कचरे के डिब्बे खुले पड़े रहते थे, फूड हैंडलर के हाथ धोने और बाथरूम के हाथ धोने की जगह एक ही थी, इतनी गंदगी थी कि पूछिए मत। वैसे बेटा जहाँ अब हो वहाँ तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है ना? जी वहाँ सब फिट है, जो फूड अफसर है वो मैनेजर के हाथ में है। हमने तो सुना है ये फूड सेफ्टी वाले किसी की नहीं सुनते, मीडिया भी इन्हीं के पीछे होता है। वैसे ये बात तो होती रहेगी, जी अनु को बुला लिया जाए। जी बहन जी जरूर। अनु बेटा, अनु बेटा आओ जरा, अनु बेटा, अनु बेटा देखो विजय के मम्मी पापा आए हैं। नमस्ते बेटा। बेटा इनको अपने हाथ से बनी नमकीन तो खिलाओ, ये हमारी अनु बिटिया ने अपने हाथों से बनाई है, सुबह से किचन में लगी हुई थी। तो हम जरूर खाएंगे। जी जी। वैसे एक बात तो कहनी पड़ेगी, आप बहुत यंग दिखती हैं। थैंक यू। वैसे मेरी त्वचा से मेरी उम्र का पता ही नहीं चलता। विजय बेटा, अनु से अकेले में बात करना चाहोगे? ओ वैसे बहन जी मैं भी यही सोच रही थी, बच्चों को अकेले में बात जरूर करनी चाहिए, तो बेटा जाओ बात करो। जा विजय बेटा। मुझे रिश्ता मंजूर नहीं। क्या क्या कह रहे हो जी आप, ये क्या कह रहे हो? मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ, जिनकी रसोई इतनी गंदी हो उनका रिश्ता मुझे मंजूर नहीं। भाई साहब आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, हम शादी से पहले अपनी रसोई को बिल्कुल चमका देंगे, एकदम साफ सुथरा कर देंगे, फिर तो कोई दिक्कत नहीं है ना। एक बात का ध्यान रखिएगा, रसोई की सफाई कराते वक्त ज्यादा खर्चा मत कीजिएगा, सफाई का खर्चे से कोई संबंध नहीं है। इसी खुशी में बिस्किट खिलाइए। जरूर जरूर बिल्कुल लीजिए ना, आप भी लीजिए बहन जी। जरूर जरूर। मुबारक हो। मुबारक हो, पहले आप खाइए जी। शुक्रिया। तू कहाँ गया था बोल? अरे सैलून तक गया था। सैलून क्या करने? अबे देख नहीं रहा, मूंछ दाढ़ी कटवा के आया हूँ। पहले तो तूने कभी मूंछ दाढ़ी नहीं कटवाई, इतनी बड़ी बड़ी मूंछ दाढ़ी लेके घूमता रहता है तू। अरे वहाँ की बात कुछ और थी, यहाँ देख इतना सुंदर शहर है, इतनी सुंदर सुंदर लड़कियाँ हैं, इन्हें देख के मेरा मन कर पड़ा कि मैं भी थोड़ा सा स्टाइल मारूं। तेरा ये मन नहीं करा कि मुझे खाना खिला दे? मैं भूख के मारे मरा जा रहा हूँ। और ये बता तू जब क्यों नहीं आया जब हमने उस लड़के के साथ लड़की देखने जाना था और घर का खाना खाना था, तब क्यों नहीं आया? वो तुझे बताया था मैं सैलून गया था। सैलून सैलून सैलून, अब मैं तेरा सैलून खाऊं? सैलून खाने की कोई जरूरत नहीं है, इस शहर में देख इतने बड़े बड़े रेस्टोरेंट है, किसी भी रेस्टोरेंट में घुस जाएंगे। अगर साफ सफाई नहीं हुई तो? उसका भी उपाय है, हम पहले जाकर देखेंगे किचन, उसके बाद सिंक, अगर साफ सफाई हुई हमारी सेटिस्फेक्शन होगी तो खाने पर टूट पड़ेंगे। अगर सेटिस्फेक्शन नहीं हुई तो फिर अगला रेस्टोरेंट। अगला रेस्टोरेंट भी नहीं हुई तो? फिर उससे अगला रेस्टोरेंट। मैं समझ गया, तूने मुझे भूखा मराने का पूरा इंतजाम कर रखा है। अरे ऐसी बात नहीं है यार, तू क्यों बातों में लग रहा, फटाफट चल चल। मुझे बहुत तेज भूख लगी है। ओए भूख तो मुझे भी बहुत तेज लगी है, पर करें क्या? पीछे देख, ओए रेस्टोरेंट, फिर टाइम क्यों लगाना, फटाफट इस रेस्टोरेंट में चलते हैं, 10-15 परौंठे से तो कम कहीं नहीं गए आज। चल 10-15 परौंठे, पहले इसका किचन चेक करेंगे, उसके पूरा मुआयना करेंगे साफ सफाई है या नहीं, फिर खाना खाएंगे। बात तो तेरी ठीक है, तो फिर टाइम क्यों लगाना, जल्दी चल चल। कोई भी रेस्टोरेंट वाला अपने किचन में घुसने नहीं देता। रसोई के दरवाजे के बाहर ही लिखा होता है नो एडमिशन विदाउट परमिशन। पर जैसे तैसे हम लोग रेस्टोरेंट के किचन में घुसे और मुआयना करना चाहा, तभी बेड़ा घर को जाए तुम्हारा, एक भूत को मारते हुए तो तरस कर लो बेताली। आज इन्होंने मुझे इतना धोया, ऐसे अपने बर्तन धोया करो, अपनी सिंक धोया करो, ब्रश धोया करो। विक्रम मेरा आँख का दरवाजा खोल दे। अच्छा क्या हाल है बेटा? चल। अरे मेरे में
में चलने की हिम्मत नहीं है। कोई बात नहीं, मेरी शक्तियाँ कब काम आएंगी। हाँ मैं तुझे अदृश्य कर देता हूँ, गायब हो जाते अभी। हाँ, जल्दी कर, जल्दी कर। क्या हो गया? हम जहां भी जाते हैं लोग हमें पीटने क्यों लगते हैं? इतना पीटा है कमबख्तों ने, मेरी एक एक हड्डी चूर चूर हो गई। मैं एक बात बताऊं? हाँ। हमारी जो ये पिटाई हो रही है ना, इसका कारण हो आप। मैं? हाँ आप। ये हुलिया देखा आपने? हुलिया देखो, ऐसा लगता है जैसे किसी कार्टून का फटा हुआ पजामा हो। हाँ, अच्छे भले आदमी की चीखें निकलवा दो तुम। अरे इंसानों के बीच में आए हो तो इंसानों की तरह रहो ना, अपनी हालत सुधारो। तो क्या करूं मैं? ऐसा करो, आप सलून चले जाओ, वहां अपनी हालत सुधारो और जैसा देश वैसा भेस। हम सलून जा रहे हैं। हाँ भाई साहब, कौन हो आप? किससे मिलना है? मैं। भाई इसमें कौन सी नई बात है, यहाँ सारे मैं ही होते हैं। विक्रम, मैं हूँ बेताल। बेताल? बेताल भाई, ये क्या हालत बनवा ली है? तुम तो बड़े गोरे हुआ करते थे ना। सैलून गया था, सैलून हेयर कट कराने। उन्होंने कहा हेयर कट के साथ ट्रेनिंग फ्री है, ट्रेनिंग। पर बेताल भाई, ये तो बड़ी समस्या हो गई। क्यों? अब बेताली तुम्हें पहचानेगी कैसे? जाते हुए हम फेशियल करा लेंगे, फेशियल। चढ़ दी जवानी मेरी, अख मस्त चतरो आई है, चतरो। लगता है कुछ खाने पीने आई है। और भी चतरो, की हाल है तेरा, आज किदा आना होया? ओ बस भाई, तेनू की दसा मैं भाई घरे कली छछलिया कुड़दी पई सी, मनू लगी भुख, घरे मेरे आटा नी, नगर चलो बानिए दुकान ते जाके पैटी पुट्टी खा लवा। यो ता ठीक है, पैटी तेनू हुणे खवा दने। ए दस अतरो किथे रह गई? ओ भाई ओ गई है मासी दे घरे पिंड। तू ऐ दस, जेड़िया ते दिल दियां गल्लां सांझे करनिया, ओ टै जाने मेरे ना कर ला। ओ नहीं नहीं, मैं ता ओदा ही पुछदा ही, तू भी ना ले फट पैटी का। ऐ कर दूजी पैटी दे, इत आलू जे बाहर निकले होए। ले ए केड़ी गल कीती तेनू, हुणे दूजी दे दिंदे। थोड़ी पोली दे ही मेरे मंगो। ले दस दे दिंदे, जमी तेरे अरगी पोली देवांगे। ले आ चेक कर। आ ठीक है भाई, ऐ करी फिर खाते में लिख ली। ओ जा यार, जमिया कमरे आलिया गल्ला करा कर, पैसे दोहां दे बंडे अपने। वाह गुरु, मुंडा होवे तो तेरे वर्गा, नहीं तो होवे ही ना, पूरा सनी देवन लगदा। ले अतरो जान कट ली तू तो मेरी इन्नी गल कह के। चंगा फिर चलदी मैं। चल चंगा, मिलदी गिलदी रह कर, जित लगा रहिंदा आ। ना भाई, तेन छड के किते जाना मैं। गल ते दस की हुई आ? गल तेन मैं की दसा, क्या पाया था पैटी च, मेरा ढिड गया, लोको बचा लो भाई। चतरो जल्दी जा डॉक्टर को, जा जल्दी जा डॉक्टर को। तो मैं जावागी, पहले तेन अग ला के जावागी मैं, क्या हो गया? चीका मारना नहीं गल बनी, जल्दी डॉक्टर को चल जा, बीमारी वध जानी है। तेरा बेड़ा बैज तेरा कख ना रवे, मैं जांदी हां डॉक्टर को आके पुछदी हां तेनू। ओए तेरा बेड़ा बैज वे कख ना रवे, तेरा मर जाने आ की खिलादा तू मेरे डिड लोका। देखा अनहाइजीनिक खाने का नतीजा, खाने में साफ सफाई का ध्यान रखना ही चाहिए। सबको कहता हूं मैं, सबको, पर कोई सुनता ही नहीं। ले अभी बेताल, अब मिलेगा तुझे स्वादिष्ट खाना। अब हम आ गए होटल में और यहाँ चल रही है बड़ी जबरदस्त पार्टी। यहाँ भी खाना नहीं मिलेगा। क्यों? मैंने इनकी रसोई देखी है, बुरा ही हाल है, बहुत बुरा हाल है। अबे चल चल, लोग तारीफ करते नहीं थक रहे हैं, तू कह रहा रसोई खराब है, वो देख लोग क्या कह रहे हैं।
It's so yummy food. Really, I enjoy it. इतना चटपटा खाना है ये, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है. मुझे चटपटा खाना और चटपटी बातें दोनों ही बहुत पसंद है. बड़ा ही मज़ा आ गया, बड़ा ही स्पाइसी खाना. ऐसा खाना तो पता नहीं कितने दिनों बाद मैंने खाया. घर का खाना खा के तो मैं परेशान हो गई थी बिना मसाले के. घर का खाना काटो धो छिलो, उसके बाद फिर सास ससुर के नखरे. और कोई थैंक नहीं करता आपका कि आप रोज़ उठ के 5 बजे खाना बनाते हो. सबको अपना ये तो है सेहत चाहिए. और ये देखो मेरी सेहत. और यहाँ देखो मैम, सैलेड देखो कितना बढ़िया काट के देते हैं. मैम और एक नई चीज़ बताऊँ आपको, कोई काम वाली नहीं टिकती घर में. सासू माँ कहती हैं जी कपड़े से प्लेट को साफ नहीं करना. काम वाली कौन टिकेगी बताओ? कोई टिकेगी काम वाली? जिसको घंटा लगेगा कि अपने आप बर्तन सूखे तब रैक में रखना. वो बोलते कोई ज़रूरत नहीं, कपड़े से जर्म लग जाएंगे प्लेट के ऊपर. ऐसी बात है, यहाँ किसी ने किया होगा, कुछ सोचा होगा ऐसा? हाय हाय, मेरा सिर फटा जा रहा है. हाय, पेट में भी दर्द हो रही है. हाय जब आदमी अनहाइजीनिक खा लेता है ना तो पेट में बहुत ज्यादा दर्द होता है, तकलीफ होती है. ऐसा लगता है कि जैसे भूचाल आ गया. भूचाल विक्रम, एक बात का ध्यान रखना, हाइजीनिक मत खाना है. मेरा मतलब अनहाइजीनिक. अच्छा हाँ, देखो मुझे नहीं लगता कि मुझे कभी जिंदगी में खाना नसीब होगा. एक तो ऐसी टैनिंग कराई कि मुझे चर्म रोग हो गया. डॉक्टर कहता है इन्फेक्शन है इन्फेक्शन, और भूख को मर रहा हूं अलग से. घबराना, तू ऐसा कर, तू आराम कर. मैं देखता हूं बाहर जाके कि हमें कहां से साफ और स्वच्छ खाना मिल सकता है. ठीक है? ठीक है. IRCTC. अरे भाई साहब एक मिनट. भाई साहब ये IRCTC क्या है? इसका बोर्ड बाहर भी लगा हुआ है. आप IRCTC के बारे में नहीं जानते? IRCTC इंडियन रेलवे केटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन लिमिटेड है. मगर ये करते क्या है? ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एंटरप्राइज है. ये रेलवे टूर, एजुकेशनल टूर, LTC पैकेजेस, फ्लाइट बुकिंग सब कुछ करती है. इनकी देश भर में बहुत सारे फूड प्लाजा, फूड स्टेशन और कैंटीन भी है. और भाई साहब IRCTC के आउटलेट्स पे मिलने वाला खाना स्वाद और स्वच्छता के लिए ही जाना जाता है. सही बताओ भाई साहब, सुबह से सारे शहर का चक्कर लगा लिया मगर कहीं भी साफ और स्वच्छ खाना नहीं मिला. यहाँ साफ खाना मिल जाएगा? अरे बिल्कुल, IRCTC है तो स्वच्छता और स्वाद की पूरी गारंटी. थैंक यू भाई साहब, थैंक यू वेरी मच. अब बेताल को यहाँ पर लेकर आता हूँ और साफ और स्वच्छ खाने का आनंद उठाता हूँ. बेताल क्या हुआ? अब तो खाना भी खा लिया फिर भी इतनी उदासी? बेताल भाई मेरे से तेरी हालत नहीं देखी जा रही. ना तो तू उड़ ही रहा है, ना कोई सवाल पूछ रहा है, ना तू खिलखिला के हंस रहा है. सवाल से याद आ गया, तू इस चक्कर में मत रही हो कि मुझे पृथ्वी वालों ने चरम रोग कर दिया तो मैं हंसूंगा नहीं. मैं सवाल जरूर पूछूंगा. बता
कि डॉक्टर मीनाक्षी पार्टी में गई और उसने खाना खाया, उसका पेट खराब हो गया। अब तू बता, औरतों को पार्टियों में जाना छोड़ देना चाहिए? हैं? ये कैसा सवाल है? औरतों के खिलाफ जाऊंगा तो कहीं का नहीं रहूंगा। आइडिया मेरे दोस्त, औरतों को पार्टियों में जाना चाहिए और जरूर जाना चाहिए, क्योंकि ये जो कान के झुमके हैं, चमकदार ज्वेलरी है, सिंदूर है, लिपस्टिक है, नई नई साड़ियां है, लेटेस्ट फैशन है, ये औरतें कहाँ दिखाएंगी? बता कहाँ दिखाएंगी? इसीलिए औरतों को पार्टी में जाना चाहिए, मगर फूड सेफ्टी का ध्यान भी रखना चाहिए। ये देख, डॉक्टर पूजा ने इस पर किताब भी लिख डाली है, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। कैसा लगा मेरा जवाब? तेरा जवाब तो लाजवाब है विक्रम। पर अब तो तू चला जाएगा ना? नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। ये दोस्ती हम नहीं छोड़ेंगे। आप लोग भी ध्यान रखना, फूड सेफ्टी बहुत जरूरी है। तो दर्शकों, कलाकारों ने तो अपना काम कर दिया, फिल्म तो खत्म हो गई, दी एंड हो गया। लेकिन मेरे हिसाब से बात यहाँ खत्म नहीं होती। ये वो किस्सा तो नहीं है कि रात गई और बात गई, पॉपकॉर्न खाया और फिल्म देखे उठ के अपने घर आ गए, पुरानी तरीके से अपने काम पर लग गए। डॉक्टर पूजा और रविंद्र जी ने मिलकर अपने सहयोगी कलाकारों के साथ ये इतनी अच्छी फिल्म बनाई है और अपने तरीके से विक्रम बेताल का एग्जाम्पल लेकर फूड सेफ्टी के बारे में जो भी कुछ कहने की कोशिश की है, वो मैं ये मानता हूँ कि अपने देश में तब तक सफल नहीं माने जाएंगे जब तक हम सब लोग का यहाँ मेरा मतलब है कि चाहे हम अधिकारी हैं जो कि मेस या कैंटीन या रसोई के इंचार्ज हैं, या हम वहाँ पे खाना पकाने वाले हैं, या खाना खाने वाले, या खाना परोसने वाले, या उस रसोई में मेस में कैंटीन में काम करने वाले, सब स्तर के लोग, हम सभी लोग ये सुनिश्चित ना करें कि लोगों को स्वस्थ, साफ और सुरक्षित खाना मिले, तो हम सबका ये फर्ज बनता है कि हम इस पिक्चर में दिखाई हुई चीज़ों का पूरी तरह से पालना करें। और जो उद्देश्य था डॉक्टर पूजा के इस फिल्म बनाने का, डॉक्टर और रविंदर जी का, वो पूरा हो जाए। धन्यवाद।